118 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक निशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया और दवाई भी मुफ्त वितरित की। मेरा नाम गुलाम कादिर खटाना, मैं एज ए सरपंच हूँ सरफराव ए ब्लॉक गुंड। देखो, ये जो मेडिकल कैंप लगा है इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के शमूलियत की है तो फायदा बड़ा है। तो इन्होंने मेडिकल कैंप लगाया, जो भी दवाई की जरूरत हो, किसी को चेस्ट की प्रॉब्लम हो, बच्चे को किसी के मुंह पे चेहरे पे दाग का कोई मसला होता है, कुछ भी होता है, बड़ा फायदा है, लोग दवाई ले रहे हैं। तो हमारे सीओ साहब भी आए 118 बटालियन गोंड से, तो इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जो ये हाईलाइट करते रहते हैं हमारे प्रोग्रामों को। तो ये बड़ी खुशी हुई हमें, इन्होंने जो ये कैंप लगाए तो हम बड़े खुश हैं, लोगों को फायदा पहुँचेगा इनशाला। तो बड़ा ये जो कैंप है अच्छी बात लगी है, लेकिन फार फ्लैंग हमारा जो एरिया है वहाँ पर भी ये लोग पहुँचने चाहिए, सीआरपी हो या बाकी और भी कोई हेल्थ के मुताबिक जो भी प्रोग्राम हो। और कुछ हमारे ऐसे पसमानदा लोग भी है जिनके पास पैसे नहीं होते, दवाई के लिए पैसा नहीं है या कोई ऑपरेशन है, सीआरपी ले जाती है और अस्पतालों तक फ्री पहुंचाती है, जो इनका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है तो वो ले जाती है वहाँ, फिर गवर्नमेंट की तरफ से इनको इलाज हो जाता है और मिलती है और फ्री में दे रहे हैं। अभी भी फ्री में मेडिकल कैंप इन्होंने लगाया हुआ है और फ्री में दे रही है। बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं, जैसे आप पीछे मेरे देखो कितनी पब्लिक आई हुई है, तो सब दवाई ले रहे हैं दवाई। मेरा नाम है नूरानी अहमद जारा, मैं DDC गुंड हूँ। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ अपने इस चीज़ को कवर करने के लिए गांधरबल से यहाँ आए। उसके साथ साथ मैं यहाँ गुंड के वासियों की तरफ से सारे यहाँ के सीनियर सिटीजन हो, चाहे यूथ हो, चाहे नौजवान हो, सब की तरफ से 118 बटालियन CRPF का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस प्रकार का, इस तरीके कार का यहां पे फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया, जिससे न केवल यहां के लोगों को, जैसे आप जानते हैं कि अपर बैलेट वाले आज जो जिस कैंप को यहां ऑर्गेनाइज करने यहां जा रहे हैं, वो यहां बागपति के दामन में एक आर्टिसन स्कूल है अपोजिट कदीम जामा मस्जिद, दरियाए सिंध के किनारे बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। तो मैं तहे दिल से बड़ा शुक्रगुजार हूँ 118 बटालियन के सीओ का, उनके टवासी साहब का, या उनके यहाँ जो DSP कंसर्न सरफराव के हैं उनका, जिन्होंने इस प्रकार का फ्री मेडिकल कैंप इन लोगों के लिए लेके आए, जिससे कि यहाँ के बिलो पॉवर्टी लाइन के जो पीपल हैं उनको इस चीज का पूरा पूरा लाभ मिलता है। 118 बटालियन CRPF के द्वारा हरिगनिवान बी में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह हमारे श्रीनगर सेक्टर के अंतर्गत उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही किया जा रहा है। और इससे पहले इस साल हमने कुल्लन और सुंभलवाला में दो फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन कर चुके हैं और पिछले साल भी हमने इस एरिया में कई मेडिकल कैंप का आयोजन किया था और भविष्य में और भी फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन होता रहेगा। ये मेडिकल कैंप हम लोग खास करके इंटीरियर एरिया में करते हैं, जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग ज़्यादा रहते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि जो मेरा फ्री मेडिकल कैंप हमारी बटालियन के तत्वाधान में यहाँ आयोजित किया गया है, यहाँ से ज़रूरतमंद लोग इसका भरपूर लाभ उठाएँगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सी पब्लिक आई हुई है, यहाँ पर बच्चे भी आए हुए हैं, बूढ़े भी आए हुए हैं, जवान लोग भी आए हुए हैं, तो महिलाएं भी आई हुई हैं। और हमने यहाँ के लोकल दो डॉक्टरों का व्यवस्था किया है, हमारी बटालियन के भी दो डॉक्टर लगे हुए हैं, तो पूरी कयानात जो है यहाँ पे लगी हुई है। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी जो भी हम लोग मेडिकल कैंप करेंगे बहुत ही सफल रहेगा। और मैं दुआएं करता हूँ कि यहाँ के जो लोग भी हैं स्वस्थ और निरोग रहें और देश की उन्नति में पूरी तरह से बढ़ चढ़ के भाग लें। हम लोग इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही प्रयासरत रहते हैं और भविष्य में भी हम लोग ऐसे स्पोर्ट टूर्नामेंट का भी आयोजन करेंगे और मेडिकल कैंप का आयोजन तो होता ही रहेगा, इसके अलावा भी जो है हम लोग स्पोर्ट टूर्नामेंट का भी आयोजन भविष्य में करते रहेंगे।